ओम शांति। आइए सुनते हैं प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज वाणी की डेट है 12 मई 2020। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। प्रश्न है, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? आंसर है, कोड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना, ये बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते हैं। ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं, और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। ना वह कथा करने वाला बाप है, ना वह बच्चे हैं, वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं है। यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी हो। बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे, बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी चीची दुनिया से अपनी गुरुकुल दुनिया में जाकर राज्य करेंगे। ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वह बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए, बेहद का बाप आया हुआ है जो सभी का बाप है, यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ ही बेसमझ हैं। बाबा बैठ समझाते हैं, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया। बाप आकर समझदार बनाते हैं, सारे विश्व पर राज्य करने लायक बनाते, इतना समझदार बनाते हैं। यह स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, बाकी जो अपने धंधे धोरी आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं, उनकी बुद्धि में यह कभी नहीं आ सकता कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। उन्हें तो अपना धंधा आदि ही याद रहता है। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो भगवान उनको पढ़ाते हैं, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब है पाई पैसे वालों के बच्चे, तुम तो हो किसके बच्चे? भगवान के बच्चे। बाबा ने कहा, तुम तो हो भगवान के बच्चे, तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते हैं, कोई कहते बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, ये होता है। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़े ही है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं, हम ईश्वर से कैसे मिले, परंतु वह जानते नहीं, सिर्फ अंगुली से इशारा करेंगे, भगवान को याद करो, बस खुश हो जाते हैं। वह कौन है यह कोई जानते नहीं है। अपने बाप को कोई भी नहीं जानते, ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, फिर भी भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं, कहाँ कहाँ तो चलन ऐसे चलते हैं जो बात मत पूछो। बाबा ने कहा, कई जगह ऐसी चलन बच्चे चलते जो बात मत पूछो, वह नशा उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है ही नहीं। बाबा ने कहा, अभी तुम्हारा पैर इस पुरानी दुनिया पर नहीं है। तुम जानते हो कलियुग की दुनिया से अब पैर उठ गया है, नाव का लंगर उठाया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं, बाप हमको कहाँ ले जाएंगे यह बुद्धि में है, क्योंकि बाप तो खिवैया है, बागवान भी है,
कांटों को फूल बनाते हैं। शिव बाबा खिवैया है, बागवान है, कांटों को फूल बनाते हैं। उन जैसा बागवान कोई है नहीं जो कांटों को फूल बना दे। ये जादूगरी कोई कम थोड़े ही है। कोड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाते हैं। आजकल जादूगर बहुत निकले हैं। वह है ठगों की दुनिया, बाप है सतगुरु, कहते भी हैं सतगुरु अकाल, बहुत धुन से कहते हैं, धुन लगी रहती है, लगन लगी रहती है। अब जबकि खुद कहते हैं सतगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता भी एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए? ना वह समझते ना लोग कुछ समझते। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया में क्या रखा है। बच्चों को जब मालूम होता है बाबा नया घर बना रहे हैं, तो ऐसे कौन होंगे जो नए घर से नफरत रखें और पुराने घर से प्रीत रखें। बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए, बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड में अनेक नाम भी रखे हुए हैं। नई दुनिया के अनेक नाम हैं, जैसे सतयुग, हेवन, पैराडाइज, स्वर्ग, बैकुंठ आदि। बाबा कहते कितने नाम हैं। तुम्हारी बुद्धि पुरानी दुनिया से उठ गई है, क्योंकि पुरानी दुनिया में तो दुख ही दुख है। इसका नाम है हेल, कांटों का जंगल। गौरव नरक है, कंसपुरी है। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। यहाँ तो दुख ही दुख है, सब पत्थर बुद्धि है। भारत का देखो क्या हाल हो गया है। बाबा ने कहा एकदम कंगाल दुखधाम बन गया है। बाबा कहते हैं इस समय सब पत्थर बुद्धि है। सतयुग में सब पारस बुद्धि होते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसलिए सबकी स्टैंप बनाते रहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, ऊंचे ते ऊंचा तो बाप है, फिर सेकंड नंबर में ऊंच कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई ऊंचाई है नहीं। शंकर की तो बाबा ने का परवरी शादी ही कैसे बना दी। वह तो कह देते वह भांग पीते धतूरा खाते, यह तो जैसे उनकी बहुत इंसल्ट कर दी है इसकी शंकर की। ये बातें होती नहीं, यह अपने धर्म को भी भूल गए हैं। अपने देवताओं के लिए भी क्या क्या बातें जैसे मनुष्यों ने लिख दी हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं। बाबा कहते हैं मेरी भी बेइज्जती करते, शंकर की भी करते और ब्रह्मा की भी बेइज्जती करते, विष्णु की बेइज्जती नहीं होती। वास्तव में गुप्त उनकी भी करते, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण हैं। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंचा गाया जाता है। ये तो पीछे संन्यास करते हैं, वह तो छोटा बच्चा है ही पवित्र, पाप आदि को जानते नहीं है। तो ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, फिर भी विचारों को पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते हैं शरीरधारी। अजमेर में उनका मंदिर है। दाढ़ी मूछ दे देते ब्रह्मा को, शंकर व विष्णु को नहीं देते हैं। यह तो समझ की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा? यहाँ वह तो यहाँ होना चाहिए। इस समय ब्रह्मा की संतान, बाबा ने कहा इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है? लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा। चैतन्य है तो जरूर कुछ करते होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं या कुछ और भी करते हैं? भल आदि देव आदि देवी सरस्वती कहते हैं।
परंतु उनका पार्ट क्या है यह भी किसको पता नहीं है। रचता है तो जरूर यहाँ होकर गया होगा, जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए। ये नई बातें हैं ना, जब तक बाप नहीं आया है तब तक कोई जान नहीं सकते, जब तक शिव बाबा ना आए तब तक कोई जान नहीं सकते इन बातों को। जिसका जो पार्ट है वही बजाते हैं। बुद्धि ने क्या पार्ट बजाया, कब आया, क्या आकर किया, कोई नहीं जानते। तुम अभी जानते हो क्या वह गुरु है, टीचर है, बाप है? नहीं, सदगति तो दे ना सके, वह तो सिर्फ अपने धर्म के रचता ठहरे, गुरु भी नहीं कह सकते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप बच्चों को रचते हैं फिर पढ़ाते हैं, बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं। शिव बाबा तो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। दूसरे कोई को थोड़े ही कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, और कोई के पास ये नॉलेज है नहीं। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे। बाप ने ही स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया था, बाबा ने कहा बाप ने ही स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। बच्चों को अंदर में खुशी है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वो जाकर अब हमें मिले हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। बच्चे कहते हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं। तो बाबा ने कहा भल कितना भी कोई तुमको मारे पीटे तो भी अंदर में खुशी होनी चाहिए, शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना, याद से ही कितने पाप कटते हैं। अबलाओं बांधेलियों के तो और ही जास्ती पाप कटते हैं, क्योंकि वह जास्ती शिव बाबा को याद करती हैं। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है, कहते शिव बाबा रक्षा करो तो याद करना अच्छा है, भल रोज मार खाओ शिव बाबा की याद करेंगी ये तो भलाई है। ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए, मार पड़ती है तो याद करते। कहते गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तुमको जब मार मिलती है तो बुद्धि में अलफ और बे याद रहे, बस बाबा कहने से वर्षा याद आ जाए। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद ना पड़े। तो बाबा ने कहा चाहे कितने भी पेपर आए सहन करना पड़े, लेकिन निरंतर बाबा को प्यार से याद करते रहो, बाप के साथ मिल्कियत भी याद आएगी, तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा याद आएगा। वह तो तुमको विष के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं, तुम बाबा से वर्षा पाते हो, पाप कट जाते हैं। ये भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त, यह भी तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है, तो यह मार भी अच्छी हुई ना। आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर जोर है, नव निर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो गेट वे टू हेवन, दोनों अक्षर होने चाहिए। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनका एग्जीबिशन है तो मनुष्यों को सुनकर खुशी होगी। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उनके लिए ये चित्र बनाए हैं, आकर देखो। गेट वे टू न्यू वर्ल्ड ये अक्षर भी ठीक है। ये जो लड़ाई है इनके द्वारा गेट्स खुलते हैं। गीता में भी है भगवान आया था आकर राजयोग सिखाया था, मनुष्य से देवता बनाया तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। मनुष्य कितना कोशिश करते चांद पर जाने की, देखते हैं धरती ही धरती है, मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते, इतना सुनाते हैं। अच्छा अब इनसे फायदा क्या है, अभी तुम रियल साइलेंस में चाहते हो, अशरीरी बनते हो,
तो वो है साइलेंस वर्ड। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो, बाप को भी मौत के लिए बुलाते हैं, आकर अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति में ले चलो। परंतु समझते थोड़े ही हैं कि पति पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ है, कहते हैं चलो घर और हम घर जाते हैं। बुद्धि काम करती है। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ दौड़ती रहेगी। फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और वर से तरफ रहे, आत्मा ही याद करती है ना। समझो कोई का बच्चा लंदन में है तो समाचार आया बीमार है, बस तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। फिर बाबा ने कहा ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके, यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनकी याद आती रहेगी। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पुथल होगी, बुद्धि जाती है ना, तो तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो तो भी अहो सौभाग्य। जैसे वे पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तुम बाप को याद करो। तुम्हें अपना एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में बाप ही याद आएगा। बाबा ने कहा है मेरे भक्तों को समझाओ। कौन सी सेवा करने को कहा बाबा ने? शिव बाबा के भक्तों को ज्ञान देना। कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं तो मानेंगे? क्रिएटर तो गॉड फादर है, कृष्ण थोड़े ही है। परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। नई सो पुरानी और पुरानी सो फिर नई होती है। सिर्फ टाइम बहुत देने से मनुष्य घोर अंधियारे में है। तुम्हारे लिए तो हथेली पर भाव बहिष्ठ लाए हैं। बाबा कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। बनेंगे? बाबा पूछते स्वर्ग का मालिक बनेंगे? वाह क्यों नहीं बनेंगे? बच्चे क्या कहते हैं, क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा है तो मुझे याद करो और पवित्र बनो। याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझा आत्मा पर है ना कि शरीर पर। अगर शरीर पर बोझा होता तो जब शरीर को जला देते तो उसके साथ तो पाप भी जल जाते। आत्मा तो अविनाशी है, सिर्फ खाद पड़ती रहती है, जिनको निकालने के लिए बाप एक ही युक्ति बतलाते हैं। बच्चे मुझे याद करो, पतित से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त हैं। पुजारी को कभी पूज्य कह ना सके। अच्छा अभी वाणी पूरी हुई, बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत थैंक्स। मुरली का सार है, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिल गया। जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिल गया। इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप कटते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। एक मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा लेना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं, ये रौरव नरक कंसपुरी है। अब हम जाते हैं बैकुंठपुरी में, तो सदा यह स्मृति में रहना चाहिए। अच्छा आज बाबा ने बच्चों को वरदान दिया,
चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी से सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे, इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषण देने वाले बनो, तब समझेंगे ये अल्लाह लोग हैं। अच्छा, आज का स्लोगन है, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूझेंगे नहीं। सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूझेंगे नहीं। ओम शांति। तो बाबा ने हम सबको इतने सुंदर मधुर महावाक्य सुनाए, बाबा को हम सब की तरफ से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा शुक्रिया। ओम शांति।